प्रोटेस्ट डिमांडस्ट्रेशन हो रही है चीफ इंजीनियर्स के कम्प्लेक्स के अंदर और हम अपने मुतालबात के हवाले से सरापा एहतजाज है सिम्बॉलिक प्रोटेस्ट डिमांडस्ट्रेशन कर रहे हैं। आज मुख्तलिफ किस्म का एहतजाज है, आप देख रहे थे आज तक हम इल्ज़ाम लगा रहे थे और वो सही भी था कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई, हमारी रेगुलराइज अमल में नहीं लाई गई, मिनिमम इस एक्ट का इतराक नहीं किया गया। लेकिन आज यहाँ की सरकार ने तनख्वाह रिलीज किया, यहाँ के तानाशाह जनाब चीफ इंजीनियर पीएचई कश्मीर ने ना मालूम वजूहात पे बिला जवाज़ हमारी तनख्वाह रोकी है और जिसके नतीजे में हमारे जो अहल आयाल है फकर कशी के शिकार है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, हमारे जो जो हमारे पेशेंट से चाहे सी आई पेशेंट कोई है चाहे कोई डायलिसिस पेशेंट है वो एक एक टीके के लिए तरस रहा है, लेकिन ये ऊपर वाजवान का मजा ले रहे हैं और अपनी नाकाबिलियत और नाअहलियत को छुपाने की खातिर यहाँ के डेली वेजर उसको बलि का बकरा बनाया जा रहा है। हम उसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं और सरकार से अपील करना चाहते हैं कि सरकार ने मरकजी सरकार ने जो पैसा वागुजार यहाँ पे किया है चाहे लैंग्वेज के तहत चाहे जे जी एम के तहत और उनको इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जे जी एम के तहत 9% सूद देना है पीएचई कश्मीर को जिसे तकदीर बदल सकती थी, उन 5,500 करोड़ रुपया अगर यहाँ पे खर्च किया जाता तकदीर बदल जाती और हमारे मुलाजमीन को भी यहाँ के आवाम की गैस गजब और नाराजगी का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन खर्च करने वाले एक बहाना करके दूसरा बहाना करके खर्च नहीं करते। देखिये जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरा इनका चिट्ठा खोल दिया जाएगा। इस वक्त हम अपने तनख्वाह का मुतालबा कर रहे हैं, इनसे कह रहे हैं कि जो अदालती उज़्मा ने आर्डर्स इशू किए हैं उन अदालती उज़्मा के आर्डर्स को इम्प्लीमेंट किया जाए, उसको 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 मैं कंप्रोमाइज नहीं कर रहा हूँ। मैंने एलाइन यहाँ पे कहा, मैंने एलाइन कहा, उसमें हम डॉक्यूमेंट उसमें हम डॉक्यूमेंट का सबूत भी दे देंगे आपको, सब कुछ आपके सामने रखेंगे। इस वक्त हम तनख्वाह का मुतालबा कर रहे हैं, हमारे आलायाल फाकेशी के शिकार है और कसमपुर की हालत में जिंदगी बसर कर रहे हैं। आप सरकार से बात कर रहे हैं क्या, आपने चीफ इंजीनियर से इस बारे में बात करी? कई बार हमने एहतजाज भी किया उनके अदालत, क्या उनके पास बात करी? कई बार हमने बात की तो वो टसे मास नहीं हुए। उनका बंद करने की क्या वजह कह रहे हैं? वजह बिला जवाज़ वो तनख्वाह बंद कर रहे हैं, हम कोर्ट भी चले गए और कोर्ट ने ऑर्डर्स भी इशू किए।